दिल्ली टॉक्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सविता भारती। आज हमारे साथ मौजूद हैं श्री राम कंस्ट्रक्शंस के गोपाल बिंदल जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। हमारा क्वेश्चन ये है कि सर अभी कोरोना के बाद सर्कल रेट बढ़ गए, प्रॉपर्टी में सर्कल रेट बढ़ चुके हैं, तो उसके बाद से प्रॉपर्टी का क्या हाल है सर? प्रॉपर्टी का मैडम सर्कल रेट बढ़ने से इतना इफेक्ट इतना नहीं पड़ेगा। कोरोना के बाद प्रॉपर्टी का रेट इतना बढ़ा है क्योंकि पैसा जो लोगों ने इधर उधर इंटरेस्ट पे दे रखा था वो पैसा मार्केट में फ्लो करने लग गया, उस वजह से प्रॉपर्टी के रेट काफ़ी बढ़े। लोग रेंटल इनकम की तरफ प्रॉपर्टी खरीदने के लिए भागने लगे कि मेरे को रेंट मिल जाए, जो मर्जी मिल जाए रेंट हमें, उस चक्कर में प्रॉपर्टी का रेट काफ़ी बढ़ा और रेट बढ़ते चले गए। अब एक लास्ट एंड है, अब रेट बढ़ने ब्रेक लग गए हैं, अब इसके बाद रेट नहीं बढ़ेंगे। न्यू डेवलप एरिया में रेट बढ़ने के चांस ज़्यादा है, जहाँ एरिया डेवलप है, द्वारका एक्सप्रेस हाईवे है, वहाँ पर जैसे रेट बढ़ने के चांस ज़्यादा हैं। अनऑथराइज कॉलोनियाँ है जहाँ रेट डाउन है, वहाँ बढ़ने की संभावना है। बहुत इलाके में रेट अब डाउन फॉल जाएगा, अब और यहाँ परचेज करना बनता नहीं है, जितना रेट बढ़ना था बढ़ चुका है। तो सर अभी प्रॉपर्टी लाइन में, अभी प्रॉपर्टी में पैसा लगाना ठीक रहेगा इस टाइम? अभी इस टाइम पॉश इलाके में ठीक नहीं है, न्यू डेवलप एरिया में लगाओ जहाँ फ्लैट की बुकिंग है, एक्सप्रेस हाईवे पे है, इस साइड पैसा लगाओ, वहाँ आपका पैसा 2 साल में डबल हो जाएगा।